वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, वाहगुरु सत्संग जी। इंसान किस वास्ते आया संसार? कई प्राप्त मनुख ते हुईया, गोविंद मिलन के तेरी वरिया। अवर काज तेरे के तेरा काम, मेरे साध संगत पज के बोला। गुरमुखो इंसान दी जुनी सब तो श्रेष्ठ आ। ये इंसान इस संसार च आया परमात्मा का नाम लैन वास्ते, वाहेगुरु च लीन होने वास्ते, उसका नाम जप के। गुरमुखो लीन हो के मानस की जन्म के विच ही आदमी मुक्ति पा सकता। मानस जन्म पावन जिन्हें मर्जी है, बाकी दुनिया ने उन्होंने नहीं इन्ना प्रेम जिन्ना मां इंसान की जूनी च प्रेम आ। उन्होंने इंसान प्रभु का नाम लैके, वाहगुरु का नाम लैके सच्चे मन न करे, एक धुन ना लगाए। महाराज कहते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास ते सेव के कातरा। मन नू बेचना पैंदा, मन बेचना बड़ा मुश्किल है। तो मन बिक गया एक बार गुरु को, जो मांगे ठाकर अपने ते, सोई सोई देवे नानक दास मुखते जो बोले। इं ऊँ सच हो गए गुरमुखो, ये आप अगर कर लेंगे तो फिर महाराज की बख्शिश होएगी। गुरमुखो जो फिर महाराज चाहेंगे, जिस तरह तू चाहेगा महाराज वो सारा कर देंगे। तो करना ये सब तो मुश्किल ये आ कि जितू असी नाम जपन बने, साडा मन बंदर जड़ा थां 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 खिंडदा आ, थां थां नठी जाता, जिथे कोई जगह भी नहीं सी उत्थे नठ जाता। मारा मन नूं तड़फांदा उस वेले की करना चाहीदा, उस वेले निम्रता नाल हथ जोड़ के हिरदे दे विच करतार नूं रदोइयां करनियां चाहीदियां। सच्चे पातशाह मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, तेरा तेरा करदिआं सच्चे पातशाह उहदा हो जावांगे। तो गुरमुखो गुरु नानक सच्चे पातशाह साडी बाह फड़ेगा। ये संसार नूं नंगण वास्ते, संसार समुंदर नूं नंगण वास्ते गुरु नानक बाह फड़ के सानूं लै जाएगा। गुरमुखो गुरु नानक वो परपकार करदा रहा, कमाल दी गल आ। एक वारी गुरु नानक मरदाने नाल ईस्ट इंडिया वल गए, ते रोहेल खंड च गए, रोहेलियां दे इलाके च। उत्थे एक पहाड़ी ते बैठ के ते मरदाने नूं कहिंदे, मरदाने आ तू एक हफ्ते लई साडे कोलो चला जा, जो साडे नाल बीतणियां ना उह तू नहीं जर सकनी। अपना मरदाना रो पिया, बाबा मार गुर गा महाराज मैं कित्थे जावां तुहानूं छड्ड के। नहीं मरदाने आ, ये तेरे को सारी नहीं जानी, तू एक हफ्ते लई छड्ड जा। जो महाराज जोर लाया तो मरदाना हाथ जोड़ के बुब्बा मार के रो पिया, तो मत्था टेक के कहन लगा, महाराज मैं कदों आवां? कहंदे एक हफ्ते के बाद तू कित्थे आवां, इत्थे ही आ जाई, तू इत्थे ही तैनूं मिलांगे। गुरमुखो रोंदा होया मरदाना चला गया, बड़ा बुब्बा मार के गया। गुरु नानक ने मैनूं क्यों नाल छोड़िया? उस तो बाद गुरु नानक जी चपड़ी मार के नाम जप रहे थे। एक रोहला आया घोड़े ते चढ़ के, तो उसने गुरु नानक जी समाधी लाई थी, उसने देखा ये कोल ते आदमी कोई भी नहीं, ना कोई उत्थे आ रहा, ये कोई भटक गया आदमी। भटक गया तो फिर भी चक चक के आता आता उत्तर घोड़े उतर के उसके कोल हौली हौली गया। तभी महाराज ने अखां नहीं खोलियां, जो लागे गया तो क्या ये भटके आया आदमी। हूँ फट के हलूना दिता, गुरु नानक देव जी अखा खोलिया, गुरु नानक जी गया वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम की धुनी लाती, वाहेगुरु नाम की धुनी लाती। तो रेला कहता ये कुछ यदा दिमाग खराब हो गया, भटकया होया, इस लै जाइए तो ये बड़ा डीड डॉल वाला बड़ा जवान आ, तो बड़े पैसे बेचांगे, तेन बड़े पैसे मिलेंगे। देखा इतने भी कोई नहीं साथी, उसने कहा आ तो उठ उंगली फड़ के पा फड़ के लै तुरिया, चल मेरे घोड़े दे अगे। महाराज हुक्म मान के चल पे, हुक्म मान के अगे चल लै चलिया, अपने घर चलिया गया।
घर च लिजा के तो उत्थे मंडी च बेच दिंदे गुलामां नूं। इहनां दा बड़ा दीप दौल शरीर ऐन चपकदा सिर चेहरा सूरज वांगू, सारे मोहित हो जांदे सी चेहरा देख के। उन्हें अपना रख के तो सवेरे जो मंडी च बेचना सी दो दिन के बाद उत्थे लिया के सब तो उच्ची जगह ते इन्हां नूं खड़ा के तो मंडी च बेचिया। सारे जिहड़े इन्हां दर्शन करन वह मोहित हो जाए। बोली चढ़ी, बड़ी लंबी बोली चढ़ी, बहुत उच्ची चढ़ी। बड़े एक उत्थों का बहुत व्डा उन्हों का जरा रेला बहुत व्डा प्रधान से जो बादशाह कहलांदा सी, उसने खरीद लिया तो उसने देखिया बड़ा डौल डल अपने घर लै गया। घर लै गया तो उन्हें कहा भाई तू हूँ की काम करेगा? कहना मैं गुलाम है, जो काम कहोगे मैं करा, जो बाबा ले काम दोगे मैं करा, मैं तेरा गुलाम है। गुरमुख हो उसने पानी लैन वास्ते खूह तो भिज लाता, सवेरे खूह चो पानी लिया। महाराज बड़े उत्साह पानी जाके लियादे सी, ते जदों देखिया कि उत्थे कुरलाक बड़े गुलाम बड़े हुए, रोलिया ने गुलाम बड़े हुए, ते उन्होंने कुट कुट के काम लेंदे सी, चीखा पैंदियां सी शहर दे विच, ओ चीखा पैंदियां हुंदे सी, रोंदे हुंदे सी कि हाए तुहानूं कोई बचाण वाला है, हाए बचाण वाला है, धन गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज नूं अकाल पुरख दा संदेश होया कि भाई रोहलिया नूं जा के उत्थे जिहड़े गुलाम उन्होंने बनाए हुए ने उन्होंने छुड़ा दो। गुरमुखों कोई नहीं सी छुड़ा सकदा। महाराज फिर जिहड़े उहदे घर रोहले जिहड़े बादशाह सी उहदे घर खरीद लिया उन्होंने मंडी च बिके गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी बोली बहुत चढ़ती गई उत्थों दा जिहड़ा सी नवाब सी बादशाह सी रोहलिया दा राजा सी उन्हें खरीद के लिया के ते आ के कहन लगा भी पानी लिया। पहले तो दो चार दिन रखिया उन्होंने एक्लेमटाइज किया, उसका दिल लाया, खंद खवादा रहा। और रोहिला बादशाह जरा सी उन्होंने राजा खवादा रहा, बड़ा अमीर सी, सारे गुलाम होर भी सन उहदे कोल, और गुलाम बेचारे तरस रोंदे पए सी साडा है कि गुरु नानक देव जी महाराज पढ़े शांति सुभा नाल ठंडे सुभा नाल सवेरे तड़के उठ के पहले चौकड़ी मार के अपना अकाल पुरख नूं राह दित्ते सी। इन्हां नूं समत बख्शो रेलिया नूं, इह किसां गुलामां नूं लिया के पकड़ के हाहाकार हो रही है शहर च, रोंदे पए ने गुलाम। गुरमुखो उसने कहा भी तू की काम करेगा? कहिंदा गुरु मालिक जो तू कहेगा मैं करांगा, ही खाएगा जो तू देगा मैं खाएगा, मैं तेरा गुलाम है। खैर उसने कपड़े पवाते गुलामा दे तो उन्होंने कहा पानी लिया कर, घरा दे के पानी लैन वास्ते भेज दिता। पानी लैन वास्ते गया मरदाने भेजिया दो चार दिन के बाद, तो उन जाके पानी देखा पानी खूह च है नहीं। महाराज वापस आ गए, उत्थे तो पानी है नहीं, रेल दूसरे खूह ते भेजिया उत्थे भी पानी नहीं, तीसरे खूह ते भेजिया उत्थे पानी नहीं, ते पानी सुक गया सारा। ते रेलिया दे हाहाकार मच गई, हाहाकार जदों मची सारे तड़फन लग पे की करिए। फिर सियाने ने कहते कहा कि कोई ना कोई गुलाम एहो जा अकाल पुरख दा परमात्मा दा भगत जिहड़ा फड़ गया सी, उहनूं फड़ लिया ते उहदे लई परमात्मा ने अकाल पुरख ने ये सारे खूहों के पानी सुखा दिते। असी कहर किया जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने समझ आई थोड़ी जी पछताए, तो उन्होंने देखा गुरु नानक देव जी बार लिया रहे घड़ा, तो घड़ा उन देखा राजे ने उन्होंने जरा उन्होंने बादशाह से रोलिया का उन देखा गुरु नानक देव जी घड़ा लिया रहे हैं, तो घड़ा सीर तो उत्ते उड़िया रहा, गुरु नानक देव जा रहे तो सीर तो उत्ते घड़ा चल रहा। वो बड़ा देख के हैरान होया, कहना ये तो कोई ऐसा मनुष्य है कि घड़ा इहदा उत्ते हवा च उड़ रहा, हवा च आ रहा। जिसले आए गुरु नानक देव जी तो उसने कहा कि बड़ा साढ़े को पाप हो गया, तू तो महापुरश है,
तू तो बहुत वड्डा भगत है। उन्होंने चरणा से टाइम पे महाराज बख्श लो, असी पाप बहुत पाप किए, बख्श लो बख्श लो। जिन्हें रोंदा पिया अखी तो रो रो के आकार करके गुरु नानक बेनती करता सी। गुरु नानक कहा भी पहले सारे गुलामन छो, तू आ सारे पानी सुक के सार दे। हाहाकार मच गई, उन्होंने जरा राजा से सारे गाला क्ढन लग पे। तो कोई कहे ना कोई, तू ऐसा फड़ लिया गुलाम जी के नाल सारा सुक गया है गुलाम न। तो वह जो हाहाकार मची तो वह भी राजा भी रोन लग पाया उन्होंने। तो खैर उन्होंने पूछया कि तुम महाराज मेहर करो की हो गया कि साढ़े को पाप। कहते तुम गुलामान फड़े आया कुटते भी हो कम भी लेंदे हो, इस करके अकाल पुरख ने तुहाडे खूह वाले पानी बंद कर दते। महाराज की होएगा दसो, किस तरह होएगा? कहते सारे पहले गुलामान छड़ो, गुलामान छड़ के ते एथे लंगर लाओ। जेड़ा कोई यात्रू आए, क्योंकि यात्रू जेड़े आंदे सी गुरे फड़ लैंदे सी गुलाम बना लैंदे सी। जेड़ा यात्रू आए उन्हें सलाम बनाओ, रहाओ उसे रह, और नाले के कहते प्रशादा छका के तो उन्होंने भेजो। सारे उस राजा जरा सी उन्होंने, उसने सारे रलियां कट्ठे किया, भाई ये ताइयों ठीक होनी है जे ये जोड़ा महापुरश आया हो जिन्हों असी गुलाम बना लिया। ये अल्लाह परमात्मा ने सारी कष्ट सहत पर पाता, पानी सुक गए होर हाहाकार मच गई। तो भाई जिस तरह अच करा आप उस तरह करिए। सारे रोले रो रहे थे, जो गुरु नानक ने कहा उस तरह उन्हें किया, सराह बनाई। जिहड़ा भी यात्रू आंदा सराह च रखते सी उन्हें रोटी पानी देंदे सी, बड़े सत्कार नाल तोड़दे सी। गुरमुख खूह च खूह पानी भी आ गया, रोले भी सुख शांति हो गए। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा महाराज कितने तुम्हें लैसे कितने पहुँचाइए? कहते मैंने उस रोयल खंड की जी पहाड़ी आ उत्थे कर देना, उत्थे कहने कहने छड़ो। रेला जाके उत्थे गुरु नानक देव छड़ आया, मरदाना आया उत्थे ही आया। हफ्ते के बाद आके रोंदा रोंदा चरना तो टैर पिया, महाराज क्यों मैनू विछोड़ा के? रो पब्बा मार के रोए तो गुरु नानक देव जी पत् उन्होंने पिट से थापी दे के बड़े प्रेरण कहने मरदाने जो होना सी ना वह तेरे को सहारा नहीं सी जाना, वो बिल्कुल नहीं सहारा। असं चाहते सी भी तू गुलादा रहे, असी गुलामों की बेचारे गुलामों को छुड़ाना सी, वो हाहाकार करते सी। जेले सारी स्टोरी सारी कहानी मरदाने ने सुनी, मरदाना चरना तो टै पिया, कह लगा हे महाराज हे परमात्मा के रूप तू तन है, तू सारू छुड़ान आया संसार, तू तो पैगंबर अवतार आ सारू छुड़ान आया। मरदाना लीका कर करके आप जमीन से आप मत्था टेकी जाए, नाले गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े प्रेम परिक्रमा करके मत्था टेकी जाए। तो फिर उतों गुरु नानक देव जी ने लै के मरदाने चाले पाए, और गुरमुखो यहोजा पर काम गुरु नानक किए। गुरमुखो असी शुक्र करिए महाराज ने सानू मानस जन्म दिता, आप नाम जप लिया आपका जीवन सफला करिए, जीवन सफला करिए। गुरमुखो फिर की होएगा? कई प्राप्त भगत दिया गोबिंद मिलन के तेरी बढ़िया, परमात्मा मिलन की कोशिश करेंगे, करते करते परमात्मा मिल जाएंगे। फिर इस संसार की यात्रा साड़ी सफल होगी, सफल सफल पई सफल यात्रा जा आवन जा रहे मेरे साथ।